शिवपुरी जिले के करेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन होते हैं मरीज परेशान। अस्पताल में समय पर डॉक्टर ना कोई मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में केवल पुराने डॉक्टरों की चलती है ठेकेदारी, जिसको लेकर आए दिन यहां पीएमओ बदलते रहते हैं और मरीजों की जान जाती है। यहां गंदगी पड़ी रहती है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, यहां पर लाखों रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, वह भी बंद पड़ा है। और एक्सरे रूम में एक्सरे की फिल्म नहीं है, एक्सरे की मशीन भी लाखों रुपए खर्च कर लगाई है, वह भी सोफिस बनी हुई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी स्वास्थ्य केंद्र का जायजा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसी के चलते स्वास्थ्य केंद्र के कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी फोन कर बताया तो उन्होंने भी हंसकर जवाब दे दिया कि करेड़ा में पीएमओ बदलने के कारण हम क्या बता सकते हैं, ये तो मीडिया को पता होगा। आखिर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ही जब ऐसा बोलेंगे तो कार्यवाही ना होना निश्चित है। आखिर कब तक चलेगा ये राजनीतिक अखाड़े से अस्पताल? क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर देवेंद्र खरे। क्या समस्या आ रही है सर आपको? समस्या ये है यहाँ पे कि कोई व्यूमन होने के कारण यहाँ पे जो शासी काम है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ पे सभी स्टाफ डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे। आपने कभी शिकायत नहीं की? मेरे नाम का व्यूमन बाद से हुआ था, लेकिन मेरे पिता का नाम कैंसर है। इस बात का मैंने सीएम से खुद तीन बार करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक। लेकिन सर अभी बीच में आदेश भी हुआ था कोई पिछोर से भी हम यहाँ पर प्रदर्श किए गए थे, क्या कारण हुआ? वित्तीय जांच के लिए आदेश हुआ था, ना कि प्रशासनिक काम के लिए। गोवर्धन लोधी। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि हमारी दादी का एक्सीडेंट हो गया एक डेढ़ घंटे पहले। यहाँ पे लाए तो बोल रहे कि हड्डी फ्रैक्चर है या नहीं है, कह रहे यहाँ कुछ मतलब एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, बाहर रेफर कर रहे हैं, झांसी जाओगे या शिवपुरी जाओगे बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे यहाँ छोटा मोटा एक्सरे तो होता है, लेकिन मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकता है कुछ ज़्यादा, तो उसकी जानकारी नहीं मिल सलारपुर। मेरा नाम मुकेश डामोर, रेडियोग्राफर, सीएससी करेरा। क्या समस्या आ रही है सर? हमारे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एक्सरे नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? एक्चुअली सर हमारे यहाँ एक्सरे हाथ पैर के छोटी फिल्म साइज़ के एक्सरे हो रहे हैं, बड़ी फिल्में ना होने की असुविधा के कारण एक्सरे नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ पेशेंट को रेफर कर डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी भेजा जाता है। आप जब से आए हैं लगभग यहाँ कितने एक्सरे आपने किए? मैं जब से आया हूँ तब से एक्सरे कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ फिल्में नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहे, बड़ी फिल्में नहीं होने के बाद नहीं हो पा रहे। आपने डिमांड भेजी था ऊपर? और हमने डिमांड भी भेज चुके हैं, पहले भी भेज चुके हैं और अभी भी भेज चुके। मैं जब से आया हूँ यहाँ पोस्टिंग मैंने 18 तारीख से वापस ली है, तब से मैंने डिमांड 19 तारीख को दे दी है।